रायपुर से खबर सामने आ रही है, आरक्षण विवाद को लेकर राज्य सरकार समिति 5 सदस्यीय कमेटी का सरकार ने ऐलान किया है। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर सुझाव देगी कमेटी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम होंगे कमेटी के अध्यक्ष। समिति में गोमती आए विधायक गुरु खुशवंत सिंह, विधायक नीलकंठ टेकाम, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक संगीता सिन्हा शामिल होंगी। समिति को 2 साल के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 5 सदस्यीय कमेटी का सरकार ने ऐलान किया है, रिपोर्ट भी जल्द से जल्द तैयार करके देनी होगी। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर सुझाव देगी ये कमेटी। और साथ ही बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस के तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति के गठन किया है, जिसमें मेरी अध्यक्षता में और अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, लगातार आरक्षण को लेकर इन चुनावों में भी खूब गहमा गहमी देखी गई, और अब जब नई सरकार जो है वो बनने जा रही है, ऐसे में आरक्षण पर एक बार फिर से जोर देखा जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंट कितना होता हुआ नजर आने वाला है, कितना समय लगेगा इसे पूरा होने में? देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। अब जो है 6 महीने पहले जब देखे जाए कांग्रेसी सरकार थी तो काफ़ी आरक्षण को लेकर विवाद भी हुआ था, गहमा गहमी हुई थी, और कई मसलों पर इस पर प्रदर्शन भी देखा गया था। कांग्रेस की सरकार ने भारी महकमे के साथ जो है राजभवन तक कूच भी किया था, लेकिन आरक्षण विधेयक संशोधन था उस पर जो है साइन नहीं हुए थे। इस पर कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। अब चूंकि एक से डेढ़ महीने पहले इस पर जो है 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें इसकी अध्यक्षता रामविचार नेताम करेंगे, इसके साथ ही गोमती साय हैं, विधायक हैं वो रहेंगी, संगीता सिन्हा हैं, ऐसे गुरु खुशवंत सिंह हैं, साय हैं वो आरंग से आते हैं, ऐसे कुल 5 विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के विधायक हैं, संगीता सिन्हा वो भी शामिल है। अब चूंकि रामविचार नेताम का इस पर एक बड़ा बयान आया है कि लगातार इस पर बैठक होनी थी पर किसी कारणवश हो नहीं सकी, लगातार बैठकों का दौर भी चलना था लेकिन हो नहीं पाया। अब चूंकि आरक्षण जो रुका हुआ है, इस पर 2 साल का टाइम दिया हुआ है, 2 साल में यह जो समिति है यह रिपोर्ट तैयार करेगी और 2 साल के अंदर पेश करेगी। इसके बाद जो भी पदोन्नति रुकी है, जो भी भर्तियाँ रुकी हैं, जो काम रुके हुए हैं आरक्षण पास नहीं होने से, वो तमाम काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज रामविचार नेताम दिल्ली दौरे पर हैं, 1 से 2 दिन के बाद राजधानी आएंगे, लगातार इस पर बैठकों का दौर शुरू होगा। फिलहाल 5 सदस्यीय इस पर टीम बनाई गई है, जिसमें 2 सचिव भी इसमें और शामिल हैं, और आरक्षण को लेकर लगातार अब बैठकों का दौर चलने वाला है। बिल्कुल नितिन, यानी कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश में जुट जाएंगे सभी नेता। नितिन, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।